पूरी पूरी बीआईटी की बिजली भागी हुई है, लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। रूम में मारे थे भाई, मस्ती मोड ऑन है यहाँ पे। तुम लोग उठाए सब, हम सब जा जाके दरवाजे, जो लोग सो रहे थे उनके दरवाजे पीट पीट कर सब आ रहे हैं। जितने लोग सो रहे उनको जगा के आ रहे हैं। ये बंदे को देखो, बेचारा बनियान में सो रहा था, बनियान में सो रहा था, इसे भी जगा दिया हमने। ये बंदा एक्टर, एक नंबर का एक्टर है, ये एक नंबर का एक्टर है। जाकर दरवाजा पीट कर आ रहा है, बंदा कॉल करता है तो ये बोलता है कि भाई मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो अभी भी सो रहा हूँ। ये कैसा बंदा बोल रहा है, मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ भाई। इस वक्त पूरे बीआईटी की बिजली भागी हुई है, हम सब बाहर मस्ती कर रहे हैं। लोग जाके जो लोग सोए उनके दरवाजे पीट रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। ओ भाई, आप देख सकते हो कितनी आवाज आ रही है वहां से पीछे। देखो यहाँ पे सारे के सारे बंदे सब आ चुके हैं बाहर, हॉस्टल में कोई भी नहीं है इस वक्त। रात के 12:12 हो रहा है इस वक्त। हम अपना हॉस्टल छोड़ के अब दूसरे हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, दूसरे हॉस्टल के दोस्तों को जगाने। ये H6 के सामने का नजारा है, H6 के सामने पूरी भीड़ लगी हुई है, सारे के सारे। आप ऊपर देखो, ऊपर में भी सभी लोग बालकनी में आ रखे हैं, यहाँ पे भी सारे लोग बाहर हैं। ये आप चिल्लाने की आवाज सुन पा रहे होंगे, लोग पूरा मस्ती कर रहे हैं। हर एक हॉस्टल के बाहर, हॉस्टल के अंदर तो कोई है ही नहीं, हर एक हॉस्टल के बाहर बच्चे आकर बैठे हैं भाई। यही सारी चीजें आ जाएंगी बाद में उन्हें, लिटरली अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ अपने क्लास के बंदों को ढूंढने। ये देखो, दिख गए कुछ लोग पागलबंदी करते हुए, दिख गए कुछ लोग। फाइनली लाइट आ गई है यहाँ की। आप देखो कितने सारे लोग बाहर हैं, सारे के सारे। वो H5 है, वहां पे भी लोग बाहर हैं, यहाँ पे भी लोग बाहर हैं। हम सब H7 के हैं, हम भी बाहर हैं, सारे के सारे लोग हॉस्टल में नहीं, सब बाहर में हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 21st of April। ओके, अभी आप देख रहे हो मैं अपने हॉस्टल के रूम में हूँ, मैं रेडी हो चुका हूँ क्लास जाने के लिए। हमारी क्लास 9 बजे से है एग्जैक्ट। ओके, और मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है, उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं किया कि भाई तू आ जा। अभी मैं रेडी हुआ हूँ, अब जाऊँगा मैं मेस में, खाना खाऊँगा, नाश्ता ब्रेकफास्ट लूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा, निकलूँगा क्लास के लिए। आज लेट हो गया भाई, पता नहीं अब क्यों लेट हुआ। इसका रीज़न कल रात में क्या क्या हुआ, हमने बहुत मस्तियाँ की कल रात, बहुत देर तक, एक बजे तक हमने कल रात बहुत मस्ती की। मैं उसकी भी क्लिप्स आपको दिखा दूंगा। ओके, तो अभी मैं चलता हूँ नाश्ता करके, मुझे भागना पड़ेगा एक्चुअली। गाइस, मैं फाइनली कॉलेज पहुँच चुका हूँ। आज मैं लेट उठा, 9 बजे से क्लास थी, 8:20 में मैं उठा हूँ सो के। फाइनली लेट उठने का नतीजा ये रहा कि यार मुझे ऑटो नहीं मिली। सारे लोग, मेरे दोस्त ऑटो से आ गए, मैं अगर ऑटो लेता तो वो ज़्यादा पैसे लेते, क्योंकि मैं अकेला आ रहा था। तो मैंने एक अपने दोस्त को पकड़ा MNC डिपार्टमेंट से, उसकी साइकिल थी, मैंने उसे कुछ आधे रास्ते मैंने उसे कैरी किया, आधे रास्ते उसने मुझे कैरी किया। कुछ भी हो जाए लेट मत उठा करो, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। जल्दी जल्दी नाश्ता करके मैं आया हूँ यहाँ पे। ये देखो मैं कॉलेज, ये रहा हमारा, अभी हम जाएंगे, हमारी फर्स्ट क्लास है वर्कशॉप प्रैक्टिस की। ये क्लास कहाँ होने वाली है कोई आइडिया नहीं, अभी मैं अपने दोस्तों को कॉल करके पूछूंगा वही बात। मैं आ चुका हूँ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, मेन बिल्डिंग के जस्ट पीछे है ये। हमारी पहली क्लास वर्कशॉप प्रैक्टिस की शायद यहीं होने वाली है। हम आ गए अपने झुंड के पास। ये लोग एक नंबर के बेकार दोस्त है, एक नंबर के बेकार दोस्त, ये सब एक नंबर के बेकार दोस्त है। किसी ने मुझे कॉल करके नहीं बुलाया। कुमार यशोजा परेशान हो रहा है कि यार मुझे भी लो, मुझे भी कवर करो। यहाँ वैसे हो क्या रहा है, यहाँ वर्कशॉप होगा। ओ भाई कोई आ गया भाई। अभी एक सर आए थे, उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस देकर गई, कपड़े बिल्कुल टाइट पहन के आया करो ताकि मशीन के अंदर फंस ना जाए, और भी तरह तरह की गॉगल्स पहन के ही वेल्डिंग देखो, बिना गॉगल्स वेल्डिंग ना देखो, जैसे हमें तो पता ही नहीं था। सभी लोग
बैठे यहाँ पे, पता नहीं कब क्लास स्टार्ट होने वाली है। सारे लोग वहाँ पे अटेंडेंस अपना लिखवा रहे हैं, अटेंडेंस दे रहे हैं अपना, मैंने भी दे लिया। बस यही, अभी कुछ देर में हम जाएंगे वेल्डिंग करेंगे। मोहम्मद जमशेद भाई, कब तुम उठा सोकर? ये सब मत पूछो। मेरे साथ ही उठाई अभी। गाइस, हमारी वर्कशॉप प्रैक्टिस की क्लास ये रही, फर्स्ट हमारा वेल्डिंग है, हमें वेल्डिंग मिला है। हमारा ग्रुप यहाँ पे वेल्डिंग की असाइनमेंट बना रहे, पहले दिन असाइनमेंट। ये देखो हमारा वेल्डिंग वाला ग्रुप जो इस हफ्ते वेल्डिंग कर रहा है, ये देखो फर्स्ट टाइम हमारे क्लास की लड़कियां आ रही हैं व्लॉग पर। ये हमारी क्लास की सीआर, हाय सीआर रुशल गुप्ता। सारे लोग मिलकर कॉपी कर रहे हैं, इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। गाइस हम वेल्डिंग सीख रहे हैं, वेल्डिंग करना, जो जो होते हैं ना वेल्डिंग, जो जिससे मेटल्स को जोड़ा जाता है। ये हमारे सर हैं जो हमें सिखा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद हम भी यही सब करेंगे जो ये कर रहे हैं, ये ग्राइंड। अभी हम फिलहाल ये मेटल को ग्राइंड करें, इस मेटल पीस को हमें वेल्ड करना है, इसे हम ग्राइंड करें फिलहाल। ग्राइंड करने के बाद इसमें उसे वेल्ड करना होगा, राइट। हमारी क्लास की सी आर ग्राइंडिंग करते हुए, ये हमारी क्लास की सी आर है। रुशल कर, रुशल हाथ संभाल के, नाखून संभालना। फाइनली ग्राइंडिंग ओवर, मेरी ग्राइंडिंग ओवर है। ये रहा एजेस, एजेस हमने ब्लंट कर दिए यहाँ पे, हल्के से एंगल में टिल्ट कर दिया 45 डिग्री के, दिख रहा है? पहले ये ऐसे ऐसे था, अब ऐसे है। तो भाई वर्कशॉप प्रैक्टिस हो गई हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से बाहर आ गए हम, अब जा रहे हैं हम अपने हॉस्टल, अपने अपने हॉस्टल। अब 1:30 बजे से क्लास है हमारी। फाइनली हम अपने हॉस्टल पहुंच चुके हैं, इतनी तपतपाती धूप में पैदल चल के आए हम, ठीक है यार। सबसे सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि हमारा जो हॉस्टल है H7, वो बिल्कुल मेन गेट के पास है, ओके, मेन गेट के पास है, और यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर हमारी मेन अकेडमिक बिल्डिंग है। तो यार इतने दूर हमें चल के जाना पड़ता है डेली, और जिनके पास साइकिल होती है वो साइकिल से चले जाते हैं, बाकी कुछ लोग ऑटो कर लेते हैं, और कुछ लोग पैदल ही जाते हैं, पैदल ही आते हैं, पैसे बचाते हैं। जैसे अभी मैं, मेरे दोस्त क्लासमेट अभिराज, ये देखो अभिराज कैसे हो, कैसा लगा धूप में चल के? हालत ख़राब हो गया अभिराज, बैठा है। अभी हम कुछ देर में खाने जाएंगे, खाकर फिर 1:30 बजे से हमारी क्लास है, 1:30 से 5:30। भाई फुल हेक्टिक डे है, फुल हेक्टिक शेड्यूल है। इससे पहले ज़िंदगी क्या चिल रहती थी, ऑनलाइन घर में बैठे बैठे क्लास करते थे, अभी भागना पड़ रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, ऊपर से लाइब्रेरी कार्ड भी हमें बनवाना है अभी। यार बहुत बहुत टोटल हेक्टिक डे है, हेक्टिक शेड्यूल, इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल मैं बता नहीं सकता। मैम वापस आ चुके हैं क्लास के लिए हमारे मेन बिल्डिंग पे। ये हमारा नया मित्र अमिया झा, ओके। हमारी कौन सी क्लास है अभी? अभी मैथ्स की क्लास है हमारी। तो अभी से लेके 4 घंटे लगातार क्लासेस ही क्लासेस हैं हमारे। 5:30 बजे हमारी छुट्टी होगी, अभी 1:30 बज रहे हैं, 1:30 में हमारी छुट्टी होती है, फिर देखते हैं कहाँ क्या करते हैं हम लोग। अब हम आ गए अपने क्लासरूम में, ये हमारे क्लास का सीआर, हेलो बोल दो सीआर। हेलो सर, नहीं वो कोडिंग मास्टर।
फाइनली क्लास ओवर गाइज, आज की क्लास ख़त्म है। अब हम जा रहे हैं सीधे अपने हॉस्टल, नाश्ता करेंगे और फिर कुछ खेलने निकलेंगे, ठीक है। तो गाइज मैं अभी अपने हॉस्टल के रास्ते में हूँ, अपने हॉस्टल जा रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे ये आप जो हॉस्टल देख रहे हो, हॉस्टल 11 है, हॉस्टल 10 है ये। हॉस्टल 11 में हमारे ज़्यादातर क्लासमेट सब हॉस्टल 11 से ही हैं। ये सारे हॉस्टल न्यूली कंस्ट्रक्टेड हैं और मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वो थोड़ा ओल्ड है, पुराने समय का है। तो तभी वो एकदम मेन गेट के बिल्कुल पास में है और बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है हमें वापस जाने को अपने हॉस्टल में। करीब 2.5 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब हॉस्टल 11 से मेन बिल्डिंग का रास्ता 2.5 किलोमीटर के करीब है। तो आने जाने में दिक्कत होती है, तो भाई साइकिल इज़ बेस्ट। साइकिल अगर आप ले लेते हो यहाँ पे तो बहुत सही चीज़ होती है वो। सारे देखो गाइस, इधर देखो सब, देख ले भी। ये सब ये हमारा गैंग है H7 का, सारे H7 के मेंबर्स हैं, पुराने हॉस्टल के मेंबर्स। गाइस हमने नाश्ता कर लिया, हम जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर कुछ खेलने। ओके, देखते हैं हमारे हमारे गैंग के लोग क्या खेल रहे हैं, हमारे क्लास के लोग क्या खेल रहे हैं। ये बंदा हमारे गैंग का अभी तक गया नहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो हैरान नहीं भाई। क्यों नहीं है? माहौल नहीं बना है, हम जब तक नहीं जाएं तब तक माहौल कैसे बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। चलो चल के माहौल बनाते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। गाइस हम अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे रनिंग ट्रैक है और उसके बीच फुटबॉल ग्राउंड है। हमारे उस जगह वॉलीबॉल खेलते हैं बट आज शायद कोई नहीं खेल रहा वहाँ पे। डेली वहाँ पे वॉलीबॉल की लाइन लगी रहती है, लोग खेलते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग वहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखो, वो स्पेक्टेटर्स के लिए बैठने के लिए जगह है। वहाँ पे बीच में फुटबॉल ग्राउंड, साइड में रनिंग ट्रैक, ये भी एक फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है। इस जगह में अंदर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, ऊपर जिम है, और यहाँ पे भी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, जिम है और वेट लिफ्टिंग एरिया है। ये हमारा एंटायर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, दो बास्केटबॉल कोर्ट है वहाँ पे, और एक बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ है जिम एरिया बैडमिंटन इंडोर बैडमिंटन एरिया के पीछे। ये हमारा एंटायर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखो, यहाँ पे वॉलीबॉल हो रही है। मुझे लगा था दूर से देखकर कि वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हमारे क्लास के लोग, बट खेल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वॉलीबॉल खेली जा रही है। मैं भी कुछ देर में इन्हें ज्वाइन कर लूँगा। गाइस खेलना ख़त्म, अब हम इस वक्त आ गए हैं जिम में, यहाँ के नए वाले जिम में। कल भी मैंने जिम किया था यहाँ पे, बट वो पुराना वाला जिम था, आज ये नया वाला जिम है, तो एक नया एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है, पूरा नया जिम है हमारा, दिख रहा होगा आपको, पूरा वेल मेंटेन्ड वेल फर्निश्ड जिम। गाइस हम आ चुके हैं इस हमारे कॉलेज के नए जिम के अंदर, यही हमारा जिम है, आप देख सकते हो यही। इस वक्त यहाँ सीनियर्स जिम कर रहे हैं, तो इस समय हमें बहुत डर लग रहा है फिलहाल करते हुए, कुछ भी हमें बहुत डर लग रहा है फिलहाल, क्योंकि सीनियर्स हैं यहाँ पे, पूरे सीनियर्स भरे हुए हैं। अभी कुछ देर में हम भी स्टार्ट करेंगे।
हमारी देखा देखी हमारे और भी दोस्त आ गए जिम में। ये देखो ये बंदा भाई, इसने जो जिम किया है सच में काबिले तारीफ है, कमेंडेबल यार, हैट्स ऑफ। इसने हर एक तरह की एक्सरसाइज की, 25-25 किलो वजन उठाया इसने अभी मेरे सामने। ये भाई ये एक नंबर का बॉडी बिल्डर है, एक दिन ये उनकी तरह बनेगा, वो हमारी ट्रेनर साहब उनकी तरह बनेगा एक दिन ये। और भाई जिम करने आए हो? नहीं भाई, अभी मिलने आए हैं। मिलने आए हो? तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ नहीं, देखने आए बस। ओ, ये बस देखने आए? हम तो भाई जिम कर रहे थे लिटरली। फाइनली दोस्तों जिम ओवर, हमने बहुत वर्कआउट कर लिया, अब हम फाइनली अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। आज के लिए बहुत सारी मेहनतें हो गई। तो गाइस मैं अपने हॉस्टल के रूम में आ चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना, सीधे जाके मैं डिनर करूँगा जब डिनर का टाइम होगा, और आके चुपचाप सो जाऊँगा। यार बहुत थकावट हो गई है, दिन भर बहुत मेहनत की है मैंने, सुबह सुबह लेट से उठना, फिर जल्दबाजी में तैयार होना और कॉलेज के लिए भागना, कॉलेज में जाके वेल्डिंग करना, फिर कॉलेज से वापस आके वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से जिम, बहुत मेहनत हो गई आज। अब कुछ दिल नहीं कर रहा, सिर्फ सोने का मन कर रहा है, अब सीधा मैं खा के सो जाऊंगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे मेरी अगली व्लॉग में। तब तक आप अच्छे से रहें, अपने परिवार वालों को खुश रखें, खुद को खुश रखें, और जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई रहें। बस बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।